बच्चों, आज दे बीए फोर्थ सेमेस्टर दी वर्चुअल क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। जिस तरह तुहानू सारयां नू पता हैगा है कि साडा जिहड़ा सिलेबस है ऑलमोस्ट जिहड़ा है खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कल दे लैक्चर दे विच असी कुछ वड्डे क्वेश्चन उत्ते जिहड़ी है चर्चा कीती सी। सो अज दे लैक्चर दे विच बेसिकली असी जिहड़ा हैगा वड्डे क्वेश्चन, मैं तुहानू इंपोर्टेंट कुछ वड्डे क्वेश्चन जिहड़े है वह लिखाऊंगा। हुण पहले यूनिट का जिहड़ा पहला चैप्टर हैगा है उहदे विच जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनदे तुहाडे जिहड़े पेपरां दे विच आए हुए है। पहला क्वेश्चन लिखो, भारतीय दलीय प्रणाली दे मुख दोषां दा वर्णन करो। भारतीय दलीय प्रणाली के मुख दोषों का वर्णन करो। ये जिहड़ा प्रश्न हैगा तुहानू 2006 के पेपर के जिहड़ा हैगा आया होया। उस तो बाद अगर असी गल करिए उस तो बाद जिहड़ा अगला क्वेश्चन हैगा है वो हैगा जी, भारत दे दलीय प्रणाली, भारत दे दलीय प्रणाली दे बदलते हुए स्वरूप दा मूल्यांकन करो, दा मूल्यांकन करो। ये क्वेश्चन तुहानू जिहड़ा हैगा है सितंबर वाले जिहड़े 2009 दे विच पेपर हुए सी पंजाब यूनिवर्सिटी दे उहदे विच जिहड़ा है तुहानू आया होया। उस तो बाद एक होर क्वेश्चन हैगा, भारत विच दलीय प्रणाली की प्रवृत्ति उत्ते चर्चा करो। जिहड़ा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है मिलता जुलता ही है। ये जिहड़ा तुहानू 2009 दे विच भी आया है, 2010 दे विच भी आया है, ठीक है जी। फिर इस तो बाद जिहड़े ये क्वेश्चन हैगे है जिहड़े मैं तुहानू लिखाए है 2013 च भी आया क्वेश्चन, 2011 च भी आया, 2008 दे विच भी आया है। सो अलग अलग सालों के जड़े पेपर हुए है उन्होंने जोड़े है प्रश्न थानू जोड़े है पूछे गए। यह पहला चैप्टर से पहले यूनिट का जिदे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं थानू लिखा दिते हैं। हूँ जोड़ा दूसरा चैप्टर हैगा साढ़ा पहले यूनिट का वह हैगा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है जी। ये मैं थानू कल दस्या कि असी 7 पार्टियां कीतियां, ये 7 दे विचों कोई तुसी 4 पार्टियां जिहड़ियां है वह चंगी तरह के नाल जिहड़ा है पढ़ लियो। ये मैं तुहानू प्रश्न जिहड़े आए हुए है मैं लिखा दिंदा तुहानू, एक मिनट। पहला प्रश्न लिखो, सैकेंड चैप्टर का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे जन्म कौमा आदर्श नीतियां दी व्याख्या करो, आदर्श नीतियां दी व्याख्या करो। या तुहानू यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, कांग्रेस की विचारधारा कौमा समाजिक आधार कौमा नीतियां अते प्रोग्राम का आलोचात्मक विश्लेषण करो, प्रोग्राम का आलोचात्मक विश्लेषण करो। ये हुण जिहड़े प्रश्न या तुहानू ये क्वेश्चन इस उपर वाले जिहड़ा प्रश्न तुहानू लिखाया उदा आ सकता है, या जिहड़ा तुहानू हेठला प्रश्न लिखाया उस तरह भी तुहानू जिहड़ा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम ही प्रश्न है, मतलब सेम ही क्वेश्चन हैगा है। ये जिहड़ा तुहानू 2008 दे विच आया होया है पेपरां च क्वेश्चन, फिर 2011 च, फिर 2013 च आया कि ये क्वेश्चन तुहानू जिहड़ा है आ सकता है। फिर अगला जिहड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता हैगा इस चैप्टर चों, भारतीय जनता पार्टी दी विचारधारा नीतियां, विचारधारा नीतियां
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਲ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੌਮਾਂ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ BSP ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਓ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਓ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TMC ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ TMC ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। TMC ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2011 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ DMK ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ANNA DMK ਕਰਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ,
और फोर्थ यूनिट के भी जोड़ा है तीन चैप्टर ने, ठीक है, कई किताबों के तीन बनाए हुए हैं, कई दो बनाए हुए हैं, ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़े इस चैप्टर च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं है, वह तुसी लिखो। एक मिनट लिखा रहा मैं तुहानू। हाँ जी, पहला प्रश्न देखो, चोण आयोग की बनावट शक्तियाँ, चोण आयोग की बनावट शक्तियाँ अते स्थिति की चर्चा करो। ये जिहड़ा प्रश्न है 2013 दे विच आया सी, तुहानू 2006 दे पेपरां दे विच तुहानू पुछया जा चुका है। फिर ये क्वेश्चन एक दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, मतदान व्यवहार तो थोड़ा भाव की है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार तो थोड़ा की भाव है, भारत विच मतदान व्यवहार नूं निश्चित करन वाले तत्तां दा वर्णन करो, निश्चित करन वाले तत्तां दा वर्णन करो। ये जिहड़ा प्रश्न तुहानू 2007 2011 2008 दे पेपरां दे विच जिहड़ा है आया होया है, ठीक है जी। इहदे इस चैप्टर दे विचों जिहड़े आ होर क्वेश्चन जिहड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं वह भी लिख लो। अगला क्वेश्चन हैगा है, भारत की चोण प्रणाली दी, भारत विच चोण प्रणाली दियां कमियां की हन, भारत विच चोण प्रणाली दियां कमियां की हन, इस उत्ते चर्चा करो, इस उत्ते चर्चा करो अते इन्हां कमियां नूं किस तरह दूर किया जा सकता है, इन्हां कमियां नूं किस तरह दूर किया जा सकता है, उस उत्ते चर्चा करो, उस उत्ते चर्चा करो। ये 2007 ते 2013 के पेपरों के विच तुहानू जिहड़ा ये क्वेश्चन जिहड़ा है आया हो, ठीक है जी। हुण अगला जिहड़ा चैप्टर हैगा सैकेंड यूनिट का, वह दबाव समूहों के नाल संबंध रखता, इहदे विचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, दबाव समूह की परिभाषा दसो, दबाव समूह की परिभाषा दसो अते इस दियां विशेषतावां की व्याख्या करो, इस दियां विशेषतावां की व्याख्या करो। ये 2011 के पेपरों के विच तुहानू प्रश्न जिहड़ा है आया होया, ठीक है जी। फिर एक होर क्वेश्चन है जिहदा संबंध दबाव समूहां दे नाल है, वह है भारत विच राजनीतिक, भारत दी राजनीति विच, भारत दी राजनीति विच दबाव समूहां दे स्वरूप अते भूमिका दा निरीक्षण करो, दबाव समूहां दे स्वरूप अते भूमिका दा निरीक्षण करो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहानू 2010 2012 2009 दे पेपरां दे विच जिहड़ा है आया होया है, ठीक है जी। फिर तुहानू इस चैप्टर दे विचों दबाव समूहां दे कारजां, ओ उहनां दी कारज प्रणाली या फंक्शनिंग उत्ते क्वेश्चन जिहड़ा है पुछा जा सकदा है। हुण जिहड़ा अगला चैप्टर हैगा है, वह भारतीय राजनीति विच उभरदियां हुईयां प्रवृत्तियां दे नाल संबंधित है, तो इस चैप्टर दे विचों किहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस जिहड़े है बनते हैगे है, देखो जी। भारतीय राजनीति विच उभरदियां हुईयां
प्रवृत्तियां की व्याख्या करो, उभरदियां हुई प्रवृत्तियां की व्याख्या करो। ये जिहड़ा क्वेश्चन हैगा 2011 2009 2010 दे पेपरां दे विच आया होया, ठीक है जी। उस तो बाद तुहानू इहदे विचों कुछ शॉर्ट नोट्स ते जिहड़ा है क्वेश्चन पुछा जा सकदा, किहड़े किहड़े दे शॉर्ट नोट पुछा जा सकदा। हेठ लिखियां विषयां उत्ते, हेठ लिखे विषयां उत्ते संखेप नोट लिखो, हेठ लिखे विषयां उत्ते संखेप नोट लिखो। घट गिनती दियां सरकारां, विरोधी दल दा बहुदलीय स्वरूप, विरोधी दल दा बहुदलीय स्वरूप। खेत्रीय राजनीतिक दलां दी वध दी महत्ता, खेत्रीय राजनीतिक दलां दी वध दी महत्ता। और चौथा क्वेश्चन है दे सो चौथा शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन बनता है, लटक दी संसद की हुंदी है, लटक दी संसद की हुंदी है। ब्रैकेट दे विच इन्हां नूं इंग्लिश दे विच भी लिख लो, कई बार क्वेश्चन जिहड़ा है पंजाबी दे विच समझ नहीं लगता तो इंग्लिश दे विच भी तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा है पता होना चाहिए। पहला सीगा घट गिनती दियां सरकारां, मिनोरिटी गवर्नमेंट्स। फिर दूसरा जिहड़ा सी मल्टीपल करैक्टर ऑफ ओपोजिशन, मल्टीपल करैक्टर ऑफ द ओपोजिशन। फिर जिहड़ा तीसरा शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन सीगा, इनक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, इनक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। फिर लास्ट सीगा लटकदी संसद नूं असीं अंग्रेजी च कहिंदा हंग पार्लीमेंट, हंग पार्लीमेंट, ठीक है जी। ये जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन हैगा है 2009 दे यूनिवर्सिटी दे पेपरां दे विच जिहड़ा है आया होया है। सो जदों तुहानूं किसी भी क्वेश्चन उत्ते शॉर्ट नोट लिखण बारे कहा जाता है तो तुसी की करना हैगा, तुसी इन्हां दे पॉइंट्स नूं एक्सप्लेन करना है। जबकि अगर तुहानूं ये क्वेश्चन दो नंबर वाले क्वेश्चन दे विच दो नंबर वाले प्रश्नों दे विच पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन तो तुसी उस दे सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है जी, समझते हो, तुसी उहदे सिर्फ जिहड़े है पॉइंट लिखने, ठीक है जी। हुण ये इस दे नाल जिहड़ा है अपना सैकेंड यूनिट दे जिहड़े चैप्टर है वह खत्म होंदे, हुण आपां थर्ड यूनिट उत्ते जिहड़ा है कॉन्सनट्रेट करांगे। हुण थर्ड यूनिट दे विच जिहड़ा पहला चैप्टर हैगा वह भारत की राजनीति विच जाति की भूमिका उत्ते दे नाल संबंधित है, ठीक है। हुण इस चैप्टर दे विचों किहड़े ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 2017 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, जाति तो की भाव है, भारतीय राजनीति उत्ते जाति दे प्रभावां दी व्याख्या करो, जाति दे प्रभावां दी व्याख्या करो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तुहानू 2017 दे पेपरां दे विच आया हुआ इस वारी जिहड़ा है आ सकदा है। सो ये एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, राखवेंकरण संबंधी
संविधानिक व्यवस्थावां बारे लिखो, संविधानिक व्यवस्थावां बारे लिखो कि तुसी राखवेंकरण दे पक्ष विच हो, कि तुसी राखवेंकरण दे पक्ष विच हो, अपने उत्तर दे पक्ष विच दलीलां दो, अपने उत्तर दे पक्ष विच दलीलां दो। एक क्वेश्चन किसे वारी भी पेपरां दे विच नहीं आया ते इस वारी शायद आ सकदा है, क्वेश्चन बहुत घट चांसेस है इस क्वेश्चन दे आने दे। ठीक है जी, हुण इहदे विच एक होर क्वेश्चन बनता है, पिछड़ियां श्रेणियां तो तुहाडा की भाव है, किहड़े किहड़े वर्ग पिछड़ियां श्रेणियां विच शामिल हन। ठीक है जी, एक होर क्वेश्चन बनता इहदे विच, दलित राजनीति दे विकास, दलित राजनीति दे विकास दे प्रसंग विच भारतीय राजनीति उत्ते जात तत्थ दे प्रभाव, जात दे तत्थ दे प्रभाव दा निरीक्षण करो, प्रभाव दा निरीक्षण करो। ठीक है जी, हुण इहदे विच जिहड़ा जात वाला क्वेश्चन है वह सब नालों इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन जिहड़े है घट इंपॉर्टेंट ने। इन्हां विचों तुहानूं सारे प्रश्न पढ़न की लोड़ नहीं हैगी, इन्हां विचों जिहड़ा एक क्वेश्चन कास्ट वाला तो तुसीं सारा पढ़ना है, जिहड़ा मैं तुहानूं कराया भी है वह तो तुसीं पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन भी जिहड़े पढ़ने हैं। हुण इस चैप्टर दे विच, इस यूनिट दे विच जिहड़ा दूजा चैप्टर है वह धर्म दे नाल जिहड़ा है संबंधित है। इहदे विच जिहड़ा प्रश्न बनता इंपॉर्टेंट, भारतीय राजनीति ते, भारतीय राजनीति ते धर्म के मुख प्रभाव की हैं, धर्म के मुख प्रभाव की हैं। फिर इस प्रश्न जिहड़ा है दूसरी तरह के नाल भी पूछा जा सकता है, भारतीय राजनीति नूं धर्म किस तरह नाल प्रभावित करता है, धर्म किस तरह नाल प्रभावित करता है। फिर इस क्वेश्चन नूं एक जिहड़ा होर तरह भी पूछा जा सकता है, भारत विच धर्म अते राजनीति दी अंतर क्रिया दा वर्णन करो, अंतर क्रिया दा वर्णन करो। हुण जदों पेपर सैटर ने तुहाडे कोल इह पुछ लिया कि धर्म अते राजनीति दी अंतर क्रिया दा वर्णन करो, फिर उहदे विच तुसीं की करना हैगा, उहदे विच तुसीं पहले दसना है धर्म दा राजनीति उत्ते प्रभाव की पिया, अते राजनीति नूं धर्म ने, राजनीति ने धर्म नूं किद्दां प्रभावित किया, दोनों आस्पैक्ट लिखने हैं क्वेश्चन दे विच। इह क्वेश्चन मैं तुहानूं कराया होया चंगी तरह। उस तो बाद अगला जिहड़ा चैप्टर हैगा इस यूनिट दे विच वह खेतरीवाद दे नाल संबंधित है। ठीक है, हुण इहदे विच जिहड़ा क्वेश्चन आम तौर पर पूछा जाता है इस चैप्टर चों वो हैगा, भारत विच खेतरवाद दे कारण अते परिणामां दा वर्णन करो, कारणां अते परिणामां दा वर्णन करो। ये क्वेश्चन थानू जिहड़ा है 2017 दे विच जिहड़ा है आया हुआ है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन जिहड़ा इस चैप्टर चों पूछा जा सकता है,
वो हैगा भारत विच खेतरवाद दे कारण की सिट्टे निकले हन, खेतरवाद दे कारण की सिट्टे निकले हन, इसका वर्णन करो। जिहड़ा उपरला क्वेश्चन सीगा जिहड़ा पहले लिखाया मैं, वो 2017 दे विच आया पेपरां दे विच। जिहड़ा थल्ले वाला जिहड़ा प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न 2017 च आया, तो थले वाला प्रश्न 2013 के पेपर के पूछा गया। हूँ आप लास्ट यूनिट पर आने हैं, तो लास्ट यूनिट के जोड़ा पहला चैप्टर है वह नाम है भारत की विदेश नीति। सो ये जोड़ा चैप्टर है ये थानू क्वेश्चन केड़े केड़े आ सकते हैं, भारत के विदेश नीति तो थोड़ा की भाव है, भारत की विदेश नीति दे निर्धारक तत्तां बारे लिखो, निर्धारक तत्तां बारे लिखो। ये जिहड़ा प्रश्न हैगा तुहानू 2007, 2008, 2009, 2011 ते 2013 दे जिहड़े पेपर होए आ उहदे विच आ, ये क्वेश्चन तुहानू आना आ ही सकदा, आ सकदा पूरी तरह। फिर ये क्वेश्चन इदां भी तुहानू पुछा जा सकदा है कि भारत की विदेश नीति दे मुख निर्धारक तत्तां की व्याख्या करो, ये भी मीनिंग लिखना है तुसी, चाहे मीनिंग उन्हें पूछा नहीं है, क्वेश्चन पहले थोड़ी भूमिका आऊगी, फिर उस तो बाद मीनिंग आऊगा, मीनिंग तो बाद जड़े ये निर्धारक तत्त आऊंगे, फिर उस तो बाद यदा सिट्टा लिखना तुसी इस क्वेश्चन के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जड़ा है थानू 2006 और 2011 के आया यूनिवर्सिटी पेपर के। ठीक है जी, ये आ दो क्वेश्चन जोड़े से इंपॉर्टेंट जोड़े थोड़े बनते। फिर उस तो बाद जोड़ा अगला चैप्टर हैगा इस यूनिट का, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति, चैप्टर का नाम है भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। ये जोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते है अपने वो है ठीक है जी, वो है पहला क्वेश्चन च बनता, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति दी आलोचनात्मक व्याख्या करो, दी आलोचनात्मक व्याख्या करो। ये क्वेश्चन थानू 2008 और 2010 के पेपर के आया हुआ। फिर ये एक होर क्वेश्चन बनता है, या इनू क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, ये हैगा जी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति दे स्वरूप उत्ते एक संखेप नोट लिखो, एक संखेप नोट लिखो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थानू जिहड़ा हैगा है 2009 दे विच आया हुआ। ठीक है, इस तो बाद एक क्वेश्चन होर बनता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन तो तुहाडा की भाव है, इस दे विशिष्ट तत्तां अते बदलदे हुए विश्व परिपेक्ष विच इस दी संबंधता दा वर्णन करो, संबंधता दा वर्णन करो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थानू जिहड़ा हैगा है 2013 दे विच आया हुआ है कि अज दी गुट निरपेक्ष कि अज दी स्थिति दे विच गुट निरपेक्षता प्रसंगिक है
अते क्यों सो ये क्वेश्चन थानू 2017 दे विच आया हो, ये क्वेश्चन आ सकदा थानू। सो ये सिगे साडे सिलेबस दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिहड़े हैगे है बहुत ध्यान नाल तुसी याद करने हैं ते नकल ना मारियो ऐतकी, जिहड़ा पेपर है अपने आप करन दी जिहड़ी है कोशिश जिहड़ी है करियो और नकल ना मारियो, इहदा नुकसान ही है, इहदा कोई फायदा नहीं हैगा। ये तो चंगा जो मैं क्वेश्चन तुहानू लिखाया इन्हां नू याद करो, इन्हां नू पढ़ो चंगी तरह, और अगर ये इन्हां क्वेश्चन दे विचों कोई क्वेश्चन तुहानू समझ नहीं लगा या कोई क्वेश्चन तुसी पूछना है तो तुसी मैनू जिहड़ा है पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, या आपां जिहड़ा हैगा जिहड़े जिन्ने क अपने लैक्चर बचे उन्हां दे विच असी इस नू जिहड़ा हैगा डिस्कस जिहड़ा है कर लवांगे। सो अज दी मैं वर्चुअल क्लास जिहड़ी है इत्थे ही खत्म करदा, ते हुण मंडे नू जिहड़ा वीडियो मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगा उहदे विच जिहड़ियां तुहाडियां किताबां दे विच पिछे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिते हुए है उहदे विचों काफ़ी असी डिस्कस कर ले हुए है, ऑलरेडी कर ले हुए है। जिहड़े क्वेश्चन डिस्कस करन वाले रहिंदे है असी वह क्वेश्चन डिस्कस करांगे, प्लस जिहड़ा असी उस तो अलावा जिहड़े क्वेश्चन बनते हैं जिहड़े किताब च नहीं हैगे वह भी डिस्कस करांगे। सो एक दो दिन जिहड़ा ये प्रोसैस चलेगा, अपने डाउट्स कढ के रखो, आप डाउट्स भी जिहड़ा है डिस्कस जिहड़ा है कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वर्चुअल क्लास, थैंक यू वेरी मच, और मैं अज का जिहड़ा अपना लैक्चर है इत्थे ही जिहड़ा है इहनू विराम दिना या इहनू समाप्त करना।